मॉर्निंग, वेलकम बैक टू एग्जाम्पल सीएच। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं पीजीटी की एक बेहतरीन राइटर कमला दास, अ क्वीन ऑफ मालाबार। फ्रेंड्स, 1934 में पैदा हुई थी और 2009 में इनका डेथ हो गया। बात कर रहे हैं हम लोग कमला दास की। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी था जिसका नाम था माई स्टोरी, और माई स्टोरी से इन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि पाई थी। आगे बढ़ते हैं इनके फैक्चुअल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, पेन नेम क्या है। तो पेन नेम जो है माधवी कुटी है, और पीजीटी 2009 में ये पूछा गया था। मदर टंग मलयालम है। पीजीटी 2013 में पूछा गया था सी वाज ए कॉन्फेशनल पोएट। इनका एक्चुअली जो तुलना ना सिल्विया प्लाथ से किया जाता है, जो एक राइटर थे और कॉन्फेशनल पोएट लिखा करते थे, पोएम लिखा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1969 में इनको मिला था, और साथ ही साथ एक बार और 1985 में मिला था। फेमस फॉर ओपनली टॉक्ड अबाउट सेक्स डिजायर इन इंडियन वुमेन, मतलब भारतीय औरतों में जो सेक्स डिजायर होता है उसके बारे में इन्हें खुले मन से बात की है। ठीक है, और इसीलिए फेमस हो गए। अपने जो ऑटोबायोग्राफी था माई स्टोरी, उसमें इन्होंने बहुत ही खुले मन से अपनी बातों को रखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हैं, सी रूट अबाउट लव बिट्रॉयल डिजायर। उन्होंने किसके बारे में लिखा है, तो लव प्रेम के बारे में, बिट्रॉयल विश्वासघात या छल कपट या धोखा बोल सकते हैं, और जो सेक्सुअल डिजायर होते हैं उनके बारे में इन्होंने खूब लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा कुछ फैक्चुअल चीज़ें। इसके बाद उनके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कमला दास वॉज अ मेजर इंडियन इंग्लिश पोएट। मेन चीज़ों को हम लोग फोकस करेंगे। एंड लिटरेट एंड अ लीडिंग मलयालम एथर फ्रॉम केरला इंडिया। सी इज आल्सो नोन एज अ कमला माधवी कुटी, यानी कमला माधवी कुटी के नाम से भी जानी जाती थी। सी इज फेमस फॉर शॉर्ट स्टोरीज के लिए जानी जाती है, एंड ऑटोबायोग्राफी का नाम माई स्टोरी। इन इंग्लिश सी रोट अंडर द नेम कमला दास, और इंग्लिश में जब वो लिखना शुरू की ना तो कमला दास के नाम से लिखना शुरू की। सी रोट ओपनली एंड ऑनेस्टली ऑन ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी। कह रहे हैं ना, फीमेल सेक्सुअलिटी पर ओपनली और ऑनेस्टली लिखा करते थे। हर व्यू इज़ फ्री फ्रॉम एनी सेंस ऑफ गिल्ट, इनफ्यूज हर राइटिंग विथ पावर। कह रहे हैं कि पूरी पावर्स के साथ ये वो अपने लिखने में इन्फ्यूज़ किया करते थे या बढ़ाने की कोशिश करते थे। और जो सेंस ऑफ गिल्ट है, मतलब जो दोस्त का भाव है, वो एकदम उससे परे रहता था, फ्री रहता था। ठीक है, सी हैज अर्नड कंसिडरेबल रिस्पेक्ट इन रिसेंट ईयर, और हाल ही के वर्षों में उन्होंने बहुत सारा प्रसिद्धि पा लिया था। अर्ली लाइफ की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ऑन मार्च 31, 1934 केरला कमला दास वॉज बॉर्न इन पुनायरकुलम थ्रेसर डिस्ट्रिक्ट इन केरला। तो केरला का एक थ्रेसर डिस्ट्रिक्ट है, उनमें एक स्थान है पुनायरकुलम, वहाँ यह पैदा हुई थी। हर फादर वाज बीएम नायर, ये भी ध्यान रखिएगा, बीएम नायर अ फार्मर मैनेजिंग एडिटर ऑफ मलयालम डेली मातृभूमि, एंड हर मदर नालापट्ट बालामानी अम्मा रिनॉन्ड मलयाली पोइट्रेस। देखिए बैकग्राउंड बढ़िया था, एक एडिटर थे इनके पिता और इनकी माता जी पोइट्रेस थे। तो श्योर है इनकी एजुकेशन की बात करते हैं, तो सी वाज एजुकेटेड मेनली एट होम। उन्होंने अगर प्रारंभिक शिक्षा घर पर पाई। सी स्पेंट हर चाइल्डहुड बिटवीन कलकत्ता, फिर अपना चाइल्डहुड कलकत्ता में अपनी दादी माँ के साथ बिताया। लाइक हर मदर कमला वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन राइटिंग, अपने मम्मी की तरह कमला भी लेखने में यह रुचि रखती थी। एट एन अर्ली एज बाई इन्फ्लुएंस ऑफ हर ग्रेट अंकल, बड़े अंकल के प्रभाव से हर लव ऑफ पोएट्री बिगन, और जो प्रेम का जो कवि का क्या बोल सकते हैं, जो कविता है, प्रेम की कविता है, वह लिखना शुरू की। उनके मैरिज लाइफ की बात करते हैं फ्रेंड्स, फटाफट चलेंगे। सी गॉट मैरिड टू द बैंक ऑफिसर, जिसे उनका शादी हुआ था, माधवदास। माधवदास एक बैंक ऑफिसर थे, 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। ही एनकरेज हर फॉर राइटिंग एंड सी स्टार्टेड राइटिंग बोथ इन इंग्लिश एंड मलयालम। उन्होंने यही इंक्रेज किया था कि लिखना शुरू करो, और वही इंग्लिश और मलयालम दोनों में। लिटरेरी करियर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सी रूट मेनी मलयालम शॉर्ट स्टोरीज एज वेल एज मेनी पोएम्स इन इंग्लिश। तो साथ ही साथ बहुत सारा शॉर्ट स्टोरीज भी उन्होंने लिखा है मलयालम के साथ साथ इंग्लिश में। हियर क्रिएशन ऑन वोमेंस इशूज ऑफ चाइल्ड केयर टू पॉलिटिक्स हर पॉपुलर। तो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो फेमस था वोमेंस इशू पर वह लिखा करती थी, चाइल्ड केयर पर लिखा करती थी, टू पॉलिटिक्स, ये सब बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। हर फर्स्ट बुक समर इन कलकत्ता, ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है समर इन कलकत्ता, शायद 1930
1937 या 1935 में पब्लिश हुआ था, आगे मैं बताऊंगा। वाज अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर इंडियन पोएट्री, बहुत अच्छा यह पोयम है। आगे है, किसी रूट चीफली ऑफ लव बिट्रॉयल एंड द कॉन्सिक्वेंट एंगस, जो मतलब प्रेम से मिला दर्द के बारे में, उन धोखा विश्वास के बारे में वो लिखा करती थी। आगे कह रहे हैं कि इन हर सेकेंड बुक द डिसेंडेंट्स, और उनका जो सेकेंड बुक था द डिसेंडेंट्स, सी डिस्क्राइब अ वुमन एक्सप्लिसिट अर्जिंग वुमेन एंड हर एंडलेस फीमेल हंगर्स, तो जो महिलाओं के अंदर भूख होता है, अर्जिंग वुमेन, जो अर्ज किया जाता है, निवेदन किया जा रहा है, उसके बारे में उन्होंने बहुत डिसेंडेंट्स में खूब अच्छे से लिखा है। सी हैज आल्सो बीन लाइक एन टू लिटरेरी ग्रेट्स लाइक सिल्विया प्लाथ, देखिए उनका तुलना किसे किया जाता है, सिल्विया प्लाथ से, बिकॉज वो आप कॉन्फेशनल स्टाइल ऑफर, क्योंकि सिल्विया प्लाथ भी कॉन्फेशनल पोएट थी और साथ ही साथ यह भी हैं, तो इसका तुलना उनसे किया जाता था। राइट, आगे कह रहे हैं कि एट द एज ऑफ 42 सी पब्लिश हर एटोग्राफी माई स्टोरी, ध्यान रखिएगा 42 साल की उम्र में उन्होंने अपने जो आत्मकथा थी माई स्टोरी उसको पब्लिश करवाया, और यह एक मास्टरपीस है कमलादास का, जो रिटेन इन मलयालम बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया गया। कमला रोट ऑन मेनी टॉपिक्स अबाउट द सेक्सुअल डिस्पोजिशन, देखिएगा सेक्सुअल डिस्पोजिशन पर उन्होंने बात किया है, अपर मिडिल क्लास वुमेन लिविंग नियर मेट्रोपोलिटन सिटी, और वो उस महिला जो मेट्रोपोलिटन एक बड़े शहर में रह रही है उसके ऊपर उन्होंने इस बात को लिखा कि उनके ऊपर क्या दशा है, क्या दुर्दशा है, उसके बारे में उन्होंने किया है। हर वेल नोन स्टोरीज आर पाक्सियोडे मानम और नेया पासुम थानापो एंड चनाडाना मरंगल, सी रोट नॉवेल्स आउट ऑफ द निर्मा थेलम पूथा कलाम इज सो फेमस, मतलब कुछ सारे स्टोरीज हैं और कुछ नॉवेल हैं जो बहुत फेमस थे उनके। हर एब्रॉड जर्नी की बात करते हैं, कहाँ कहाँ घूमने गई थी, तो जर्मनी यूनिवर्सिटी ऑफ डिसबर्ग, इशन यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ डिसबर्ग यूनिवर्सिटी, एडिलेड राइटर्स फेस्टिवल, फ्रेंक फुट बुक फेयर, यूनिवर्सिटी ऑफ किंगस्टन, जमैका, सिंगापुर, साउथ बैंक फेस्टिवल, लंदन, कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी, मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है, और बताते हैं हर वर्क्स आर अवेलेबल इन फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, जर्मन, जर्मन स्टोरी पोएट्री, कह रहे हैं कि इनका जो वर्क है फ्रेंड्स वह फ्रेंच में, स्पेनिश में, रशियन में, जर्मन में, जापानीज में, सब अवेलेबल हैं, कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में आप जाके पढ़ सकते हैं। इनके पोस्ट की बात करते हैं कि सी गॉट द पोजीशन ऑफ वाइस चेयरपर्सन इन केरला साहित्य अकेडमी, देखिए लेटर चेयरपर्सन इन केरला फॉरेस्ट्री बोर्ड, प्रेसिडेंट ऑफ द केरला चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी, एडिटर ऑफ पोएट मैगजीन एंड पोएट्री, एडिटर ऑफ द स्टेट वीकली ऑफ इंडिया, इतने सारे जो मैगजीन रहे हैं उसके एडिटर रहे हैं और चेयरपर्सन भी रही हैं, ठीक है। इन 2009 द टाइम्स कॉल्ड, क्या कह रहे हैं, द टाइम्स कॉल्ड है द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, जब 2009 की बात कर रहा है कि टाइम्स एक पत्रिका है, उन्होंने बोला था द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री, यानी मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री की एक मदर है बोला गया था, किसको, कमलादास को। कन्वर्जन कन्वर्जन टू इस्लाम, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, कब कैसे मैं बता रहा हूँ। सी वॉज बॉर्न इन हिंदू नायर नलापच्चू फैमिली हैविंग रॉयल एंसेस्ट्री, यानी एक शाही वंश में पैदा हुई थी। सी वॉज आस्क्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम बाय हर लवर सादिक अली, ये भी ध्यान रखिएगा सादिक अली उनके प्रेमी थे, उनकी वजह से उन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ा आफ्टर हिज हस्बैंड डेथ, जब उनके सॉरी हर हस्बैंड डेथ, जब उनके हस्बैंड मर गए तो उनके बाद सादिक अली से इन्होंने प्रेम कर लिया और आफ्टर दैट सी एक्सेप्टेड इस्लाम, ठीक है, सॉरी एंड इस्लामिक स्कॉलर मुस्लिम लीग, और क्या इस्लामिक स्कॉलर थे और मुस्लिम लीग एमपी थे। सी एक्सेप्टेड इस्लाम इन 1999 एट द एज ऑफ 65, चेंज हर नेम टू कमला सुरैया, और अपना नाम कमलादास से कमला सुरैया रख लिया। पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो उन्होंने एक नेशनल पार्टी निकाला था, यानी लॉन्च किया था लोक सेवा पार्टी, एमिंग एसिलम टू ऑर्फन मदर्स, जो अनाथ मदर्स होते हैं उनको एसिलम मतलब अनाथालय जो होता है, अनाथालय होता है उसके लिए, और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इन 1984 सी कॉन्टेस्टेड इंडियन पार्लियामेंट इलेक्शन, और बाद में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था एमपी का, ठीक है, 1984 में, तो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है।
आगे बात करते हैं कि डेथ के सी डेड डाइड एट द हॉस्पिटल ऑफ पुणे, ये भी पूछा गया था कि कब मरी हैं कहाँ मरी हैं। तो 31 मई 2009 पुणे के एक हॉस्पिटल में 75 साल की उम्र में उनका डेथ हुआ। हर बॉडी वॉज ब्रॉट हर होम स्टेट केरला लाया गया। सी वॉज बरी एट द पलायम जुमा मस्जिद एंड तिरुवनंतपुरम विद द फुल स्टेट ऑनर, पूरे राजकीय सम्मान के साथ पलायम जुमा मस्जिद में उन्हें बरीड किया गया, अपनाया गया। अवार्ड्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स फटाफट अंदाज में। तो कमला दास वाज नॉमिनेटेड एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज इन 1984, ये भी ध्यान रखिएगा, नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए थे, मिला नहीं था। एशियन पोएट्री प्राइज 1998, पेंट अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटिंग फॉर एशियन कंट्रीज 1999, नेक्स्ट है एशियन वर्ल्ड प्राइज 2000, इथुताचन अवार्ड 2009, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2003, बी आई एलर अवार्ड 2001, केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड 1969, मुटाथुत वर्की अवार्ड भी मिला था। सी वॉज लॉन्ग टाइम फ्रेंड ऑफ कैनेडियन राइटर मैरी विस्बोर्ड, हु पब्लिश अ मेमोयर ऑफ द फ्रेंडशिप द लव क्वीन ऑफ मालाबार। देखिए एक कैनेडियन राइटर के संपर्क में रही हैं, उनके फ्रेंड थे मैरिली विस्बोर्ड, इनके फ्रेंड इनके से फ्रेंडशिप रहा है, और लास्ट में एक मेमोयर उन्होंने लिखा था और टाइटल दिया था द लव क्वीन ऑफ मालाबार इन 2010 में उन्होंने लिखा था। कौन लिखा था तो अगर पूछते हैं कि द लव क्वीन ऑफ मालाबार कौन लिखा है तो मेरी विस्बोर्ड ने लिखा है। ये रहा उनके जीवन के बारे में, मिलते हैं कुछ और फैक्चुअल चीज़ों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एग्जाम्पल। बाय बाय, टेक केयर।